नमस्कार, स्वागत है आपका पत्रिका टीवी के मध्य प्रदेश स्टेट बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अमृता। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले रुक करते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में महिला अपराधों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों का सम्मान, सीएम हाउस में सीएम ने किया सम्मानित। दुष्कर्म जैसी घटनाओं को लेकर एक बार फिर छलका सीएम का दर्द। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए अरुण यादव को मिली बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव के वक्त अरुण यादव के हाथों में होगी प्रदेश में होने वाली राहुल गांधी की यात्राओं के समन्वय की कमान। ग्वालियर में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। रेलवे स्टेशन का घेराव करने जा रहे कांग्रेसियों को रोकने के लिए वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले का भी हुआ इस्तेमाल। गंदे पानी सहित अन्य समस्याओं को लेकर कांग्रेस का जमकर प्रदर्शन। राजगढ़ के ब्यावरा में लापरवाही पुलिसकर्मी के लिए बनी जानलेवा। डायल 100 गाड़ी का स्टेयरिंग फेल होने से पुल से गिरी गाड़ी। दो दिन से रेड सिग्नल देने के बावजूद नहीं दिया गया था। और इंदौर में दर्दनाक सड़क हादसा, दो युवती पर पलटा कंटेनर। युवतियों की मौके पर ही मौत। नाइट शिफ्ट खत्म कर घर लौट रही थी युवतियां। सरकारी आवास की सुविधा से बेदखल हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को एक और बड़ा झटका लगा है। वीआईपी 4 की सूची से भी दिग्विजय सिंह बाहर हो गए हैं। पुलिस सुरक्षा को लेकर लगाई जाने वाली ड्यूटी में वीआईपी कैटेगरी में बदलाव किया गया है। दिग्विजय की जगह पीसीसी चीफ कमलनाथ को इस वीआईपी 4 की सूची में शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती वीआईपी 3 कैटेगरी से बाहर हुई हैं। हालांकि सरकार ने उन्हें सशुल्क आवास आवंटित किया है। उमा भारती की जगह अभी किसी वीआईपी को जगह नहीं मिली है। वहीं वीआईपी 1 कैटेगरी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और वीआईपी 2 में पूर्व मंत्री बाबूलाल गौर का नाम यथावत रखा गया है। भोपाल सीएम हाउस में महिलाएं एवं बालिकाओं की सुरक्षा में सराहनीय काम करने वाले पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश के 8 जिलों के अफसरों को सम्मानित किया और उन्हें दुराचारियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर बधाई दी। सम्मानित होने वाले अधिकारियों में ग्वालियर, इंदौर, धार, सागर, शहडोल, मंदसौर, दमोह और सतना के पुलिस अधिकारी शामिल थे। 8 जिलों के 68 पुलिस अधिकारी और 3 FSL अधिकारी सम्मानित हुए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जब भी दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं मैं बेचैन हो जाता हूँ। बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं मन व्यथित कर देती हैं। मासूमों के साथ दुराचार करने वालों को एक ही सजा, मृत्यु दंड होनी चाहिए। हमने सबसे पहले व्यवस्था की संवेदनशील अपराध के लिए। मेरा स्पष्ट विचार है कि जो मासूम बच्चियों के साथ दुराचार करे उसे इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। मानवता को शर्मसार करने वाले दरिंदों को हम सजा दिलाने में सफल हो पाए हैं। हमने कानून बनाया है, उसके बाद केंद्र ने नाबालिग के साथ दुराचार मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया। मध्य प्रदेश में सत्ता पाने की जुगत में लगी कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश में हर बिंदु को ध्यान में रखकर अपना चुनावी कैंपेन चला रही है। एक तरफ तो वो जनता के बीच सरकार की कमियां उजागर कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ जनता को ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार आने पर उनके लिए क्या क्या योजनाएँ लाई जाएंगी। पार्टी ने इस चुनाव में ये फैसला किया है कि वो जनता के सामने घोषणा पत्र नहीं बल्कि वचन पत्र लेकर जाएंगी। माना जा रहा है कि वचन पत्र मध्य प्रदेश को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा है। 15 अगस्त तक इस पर मैनिफेस्टो तैयार कर लिया जाएगा जिसके बाद चर्चा कर इस वचन पत्र को राहुल गांधी को सौंपा जाएगा और उनकी हरी झंडी मिलने के बाद इसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। इस पत्र को संभाग और जिला स्तर पर 3 चरणों में लाया जाएगा जिसमें किसान, रोजगार, महिला सुरक्षा और कर्मचारी जैसे मुद्दे मुख्य में रहेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में बदलाव का दौर जारी है। पार्टी 5 जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी कर रही है। इसमें इंदौर, रतलाम, पन्ना समेत 5 जिलों के अध्यक्ष शामिल हैं। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच सहमति भी बन चुकी है। ये ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिनकी विधायक और सांसद से तालमेल ठीक नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि मुरैना के जिलाध्यक्ष अनूप सिंह भदौरिया और स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसके चलते उनकी भी विदाई हो सकती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के बाद अरुण यादव को पार्टी में फिर से तवज्जो मिल गई है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने उन्हें चुनाव के दौरान खुद की यात्राओं का समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही चुनाव के दौरान अरुण यादव को
अन्य महत्वपूर्ण दायित्व मिल सकते हैं। दो दिन पहले दिल्ली में हुई पार्टी नेताओं की बैठक में राहुल गांधी ने अरुण यादव को खासा तवज्जो दिया। बताया गया है कि बैठक में मध्य प्रदेश के नेताओं में से चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया, सांसद विवेक तनखा एवं अरुण यादव को खासा तवज्जो दिया गया था। प्रदेश में चल रही चुनावी गतिविधियों के चलते ये बैठक महत्वपूर्ण थी। इसी बैठक में राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं से कहा कि वे जनता के बीच जाएं। ग्वालियर में गंदे पानी की सप्लाई और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पूर्व विधायक प्रतिमन सिंह की अगुवाई में घोषित कार्यक्रम के अनुसार रेलवे स्टेशन का घेराव करने जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती बैरिकेड लांघने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन जब इतने से भी कांग्रेस कार्यकर्ता काबू में नहीं आए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और जमकर लाठियां भांजी। आप देख सकते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए किस तरह से पुलिसकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने पूर्व विधायक प्रद्युमन सिंह और उनके कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया। इंदौर में कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसी दौरान वहां से गुजर रही दो लड़कियां इसकी चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को एमवाई अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने कंटेनर को भी जब्त कर लिया है। दोनों जबलपुर और सीधी की रहने वाली हैं। घटना के वक्त दोनों नाइट शिफ्ट पूरी कर ऑफिस से घर लौट रही थी। रास्ते में सामने से आ रहे कंटेनर चालक ने उन्हें बचाने के चक्कर में तेजी से ब्रेक लगा दिया, जिससे कंटेनर पलट गया और दोनों युवतियां उसके नीचे। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। छतरपुर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। यहां एक युवक ने अपनी ही बुआ की नाबालिग बेटी को अपने हवस का शिकार बना डाला। आरोपी युवक भी नाबालिग है, जो करीब 6 महीने से लगातार पीड़िता से रेप कर रहा था। वारदात का पता नाबालिग के गर्भवती होने पर चला। पीड़िता करीब एक साल पहले अपने मामा के घर रहने के लिए आई थी, जहां मामा के लड़के की बुरी नीयत उस पर पड़ी और वो लगातार उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। मामले का खुलासा होने के बाद पीड़िता अपनी मां के साथ जुझार नगर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कस्बे की फरियादिया है, बच्ची जो है उसने अपने माँ और भाई के साथ आकर रिपोर्ट की है। तो उसके दूर के रिश्तेदार, जो कि उसका मामा लगता था, उसके लड़के ने करीब 6 महीने पहले उसके साथ बलात्कार किया था। उसके बाद वो रेगुलर उसके साथ गाता करता आ रहा था। अभी जब माँ को उसके बारे में पता चला, बच्ची के पेट में दर्द हुआ, तो उसने पूछा, तो उसने सारी घटना बता दी बच्ची को। और जो आरोपी जबलपुर में रैगिंग के नाम पर दो छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट में दोनों छात्रों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित छात्रों ने मामले की शिकायत पुलिस में भी दर्ज करा दी है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रैगिंग की ये हैरान कर देने वाली घटना शहर के GS कॉलेज की है, जहां अंकित तिवारी और विनीत पांडे नाम के दोनों छात्र जैसे ही कॉलेज में दाखिल हो रहे थे, तो कुछ सीनियर्स ने इन्हें रोका और उनका परिचय पूछा। इसी दौरान सीनियर्स ने कुछ ऐसा करने को कहा, जिससे करने से दोनों ने इनकार कर दिया। तो सीनियर्स बिफर गए और उनके साथ बेरहमी से मारपीट कर दी। घटना में दोनों छात्रों के हाथ पैर और सिर में चोटें आईं। फिलहाल मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ब्यावरा के कालीपीठ थाना इलाके में महाबल पुलिया के पास पुलिस की डायल 100 गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डायल 100 की गाड़ी सीधे पुल से नीचे जा गिरी, जिससे गाड़ी में सवार एक आरक्षक की मौत हो गई, वहीं अन्य घायल हो गए। हादसा गाड़ी का स्टेयरिंग लॉक होने की वजह से हुआ। हादसे में मरने वाले आरक्षक का नाम नरेंद्र उमट है। खबर है कि डायल 100 की जो गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, वो दो दिन से रेड सिग्नल दे रही थी, लेकिन इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हादसे की रात भी गाड़ी ने मशीनरी चेकअप का रेड सिग्नल दिया था, लेकिन रोजाना की तरह उस पर ध्यान नहीं दिया गया। वहीं नरेंद्र की मौत से उनके गांव पिपलवे आश्रम में गम का माहौल है। दतिया के भांडेर अस्पताल में लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई। बिछोदना गांव की रहने वाली पूजा को यहां पर प्रसव पीड़ा होने के बाद भर्ती कराया गया था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी और अस्पताल की नर्सों ने डिलीवरी के एवज में पैसों की डिमांड की। परिजन पैसे देने को भी तैयार थे, जिसके चलते नर्सों ने पूजा की डिलीवरी करा दी, लेकिन डिलीवरी के समय मौजूद नर्स इतना घबरा गई कि नाड़े को नहीं काट पाई।
जिसके कारण बच्चादानी बाहर आ गई और पूजा की तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने पर पूजा को दतिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन उसे लेकर दतिया पहुंचते से पहले पूजा की मौत हो गई। पूजा के परिजन ने दोषी नर्सों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं भांडेर अस्पताल प्रबंधन लापरवाही को छिपाते हुए नर्सों पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। राजधानी भोपाल में आज से दो पहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन चलाना भारी पड़ेगा। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से चालानी कार्रवाई की जाएगी। इस सिस्टम के माध्यम से अभी तक ओवर स्पीड और रेड लाइट जंप के ई चालान जनरेट होते थे, लेकिन अब बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले चालकों की निगरानी भी ITMS से की जाएगी। बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक 21,000 चालान जनरेट हो चुके हैं, इनमें से 5,500 लोगों ने जमा करती हैं। शहर में अभी 22 जगहों पर ITMS लगाए गए हैं। इससे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों की पहचान कर उन्हें चालान जारी किए जा रहे हैं। छतरपुर में पुलिस ने अवैध शराब से भरे एक लोडिंग वाहन को जब्त किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि लोडिंग वाहन में शराब भरकर भेजी जा रही है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महुपा रोड पर जेल तिराहे के पास से वाहन को जब्त कर लिया। हालांकि पुलिस को देख वाहन चालक भागने में सफल हो गया। लोडिंग गाड़ी की तलाश करने पर पुलिस को उसमें से 29 पेटी अंग्रेजी शराब मिली है, जिसकी कीमत 1,00,000 रुपये आकी जा रही है। पुलिस ने अवैध शराब और लोडिंग वाहन को जब्त कर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। श्री विनायक शुक्ला द्वारा वाहन की चेकिंग की जा रही थी, उस समय एक वाहन संदिग्ध अवस्था में देखा। थाना प्रभारी द्वारा चेक किया गया। जैसे ही थाना प्रभारी ने गाड़ी रुकवाई तो उसमें दो व्यक्ति जो बैठे थे, संभवतः राजेश साहू और दिग्विजय सिंह, एक गाड़ी नंबर है UP 95B 3578, उसमें 29 पेटी शराब पकड़ी गई है और शीघ्र ही प्रयास किया जा रहा है कि जो मूल्य भागे हैं उनको गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जाए। सर कितनी कीमत की होगी ये शराब? ये करीब 1,25,000 रुपए की। टीकमगढ़ में लोकायुक्त ने सहकारी समिति के सहायक समिति प्रबंधक मुरारी लाल रावत के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की है। लोकायुक्त को सहायक समिति प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। जानकारी के अनुसार सागर लोकायुक्त पुलिस की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज सुबह मुरारी लाल रावत के 3 ठिकानों पर दबिश दी है। इसके अलावा शहर के अचर्रा क्षेत्र में स्थित आवास और पैतृक गाँव गौर में 2 घरों में लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई जारी की है। लोकायुक्त टीम के सदस्य ने सहायक समिति प्रबंधक के घर को सील कर दिया है। घर में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। साथ ही उन्होंने इस मामले में सहायक समिति प्रबंधक मुरारी लाल रावत से पूछताछ शुरू कर दी है और सोने चांदी के आभूषण होने की जानकारी मिली है। जांच में मुरारी रावत के पास जमीन से जुड़े दस्तावेज और सोना चांदी के आभूषण होने की जानकारी मिल रही है। उसकी कुल संपत्ति कितने की है, सब खुलासा दस्तावेजों की जाँच पड़ताल के बाद ही हो सकेगी। शहडोल जिले में दीनदयाल रसोई में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। जो लोग यहां खाना खाने आते हैं उन्हें भी भरपेट खाना नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई समाधान नहीं किया गया। हाल ही में नगर पालिका CMO ने दीनदयाल रसोई का निरीक्षण और वहां अव्यवस्थाएं पाए जाने पर उसे सुधारने के निर्देश भी दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ओम प्रकाश रावत 4 अगस्त को अपने 2 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर आएंगे। वे यहां वोटर लिस्ट और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कलेक्टर के साथ बैठक करेंगे। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी BL कांता राव भी मौजूद रहेंगे। 5 अगस्त को मुख्य चुनाव आयुक्त OP रावत LNIP में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे और वहीं से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। छिंदवाड़ा जिले में लिपिक कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। कर्मचारी नेताओं ने वित्त मंत्री से हुई बातचीत में 22 अगस्त तक होने वाली कैबिनेट की बैठक में मुद्दों पर फैसला लेने के लिए कहा गया है। लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सतीश गोंडाने ने बताया कि अब सभी कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज पर लौट आए हैं। राजगढ़ के ब्यावरा खरीदी केंद्र में 3 महीने पहले खरीदी गई उपज को लौटाने से नाराज किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि वे 3 महीने से फसल के भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और अब उन्हें पैसे देने की बजाय उनकी ही उपज लौटाई जा रही है। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दागी भी मौजूद रहे। भाजपा सरकार पर भावांतर के जरिए किसानों को ठगने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द किसानों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।
की चीजें आती रही हैं किसानों की, तो क्या कांग्रेस की होने के नाते आप विपक्ष के तौर पे क्या करना चाहेंगे? तो किसानों की आवाज है, कांग्रेस के इनकी आवाज बनकर आएगी? अरे बिल्कुल, कांग्रेस इनकी क्या काम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, फिर भी हमारे किसानों को उनका हक नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ा किसानों। सीहोर के नसरुल्लागंज के शासकीय विवेकानंद कॉलेज में प्राचार्य छात्र नेत्री के बीच जमकर विवाद हो गया। विवाद के बाद कॉलेज प्रबंधन ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया और दोनों पक्ष एसडीएम के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। कॉलेज के प्राचार्य का कहना है कि छात्र नेता अदिति यादव रोजाना कॉलेज पहुंचती है और कॉलेज की तीसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में अपने साथियों के साथ बैठी रहती, जिससे कॉलेज में अव्यवस्था के साथ पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। और जब अदिति को इस बारे में समझाने की कोशिश की गई तो विवाद पर उतर आई और अन्य छात्र नेताओं के साथ मिलकर जमकर विवाद किया। वहीं अदिति यादव का कहना है कि वो कॉलेज के उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। घटना से पहले भी एक छात्रा ने अपनी समस्याओं को लेकर वहां पर बुलाया था और जब वो वहां पहुंची तो प्राचार्य और उनका और अन्य स्टाफ ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इतना ही नहीं, अदिति ने कॉलेज प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि उसका मोबाइल छीन कर उसे बंधक बना लिया गया था। बाद में साथ ही छात्रों के हस्तक्षेप के बाद उसे छुड़वाया गया। एसडीएम ने दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए मामला शांत करा दिया है। छिंदवाड़ा नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल हितग्राही बैंक की ओर से भेजे गए नोटिस को लेकर परेशान थे। हितग्राहियों ने बताया कि इलाहाबाद बैंक ने साल 2017 में लोन स्वीकृत किया और इसी साल से ब्याज लगाना शुरू कर दिया, जबकि आवास 4 माह पहले सौंपा गया और बैंक की ओर से 17,000 से 18,000 रुपये जमा करने का नोटिस भेजा गया था। साथ ही नगर निगम ने भी किश्त जमा करने का नोटिस भेज दिया। हितग्राहियों का कहना है कि समस्या का निवारण नहीं किया गया तो आवास खाली कर देंगे। वहीं सहायक आयुक्त आरएस बाथम ने बताया कि आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस मकानों के लिए 20,000 रुपये जमा किए थे। बकाया राशि 1,80,000 बैंक की ओर से फाइनेंस किया गया था, जिसकी मासिक किश्त 2,500 रुपये प्रतिमाह है। निगम ने अपनी रिस्क पर बैंक से लोन स्वीकृत कराया था और हितग्राहियों ने तमाम कागजातों पर पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। लोन की अवधि 10 से 15 साल तक है, जिसकी मासिक किश्त 2,500 रुपये है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के दौरान एक शराबी ने जमकर हंगामा कर दिया। शराबी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर कांग्रेस नेता और महिलाओं को अपशब्द कहने लगा, जिससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई कर दी। कांग्रेस ने शहर में बढ़ रही आपराधिक घटना और खुलेआम हो रही नशाखोरी के विरोध में रामबाग रेलवे क्रॉसिंग पर धरने का आयोजन किया था। कांग्रेस का आरोप है कि शहर में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, खुलेआम नशाखोरी हो रही है, असामाजिक तत्व गुंडागर्दी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कानून का खौफ बदमाशों से खत्म हो चुका है। अब रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी बिना गार्ड के ही दौड़ेगी, इसके लिए ट्रेन के आखिरी कोच में एंड ऑफ ट्रेन टेलीमेट्री सिस्टम लगाया जाएगा। इस सिस्टम के लगने से गार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेलवे बोर्ड ने इस उपकरण को लगाने की मंजूरी दे दी है। चालू वित्तीय वर्ष में मालगाड़ियों में सिस्टम इंस्टॉल होते ही लोको पायलट और अंतिम डिब्बों के बीच संपर्क बन जाएगा। ये भी पता चल सकेगा कि मालगाड़ी के डिब्बे अपनी अपनी जगह पर चल रहे हैं या नहीं। कोई डिब्बा गाड़ी से अलग होने या वैगन दो हिस्सों में बांटने की स्थिति में इसकी जानकारी तत्काल लोको पायलट को मिल जाएगी। यही नहीं, एयर प्रेशर बनने या रिलीज होने की जानकारी भी मिलेगी। वहीं सिस्टम को ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल रेलवे ने विरोध शुरू कर दिया है। काउंसिल का कहना है कि बिना गार्ड के ट्रेन चलाने पर हादसा होने की आशंका रहेगी, साथ ही गोलाई वाले क्षेत्र में या फिर कोच कट कर हटने की संभावना ज्यादा होगी। रीवा जिले में भी इन दिनों सड़कों के हाल बेहाल है, यहां तक कि सड़कों की खुदाई के कारण लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वाटर मांग 15 के स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत नगर निगम के अधिकारियों से की जा चुकी है, लेकिन अभी तक किसी ने मौके का निरीक्षण नहीं किया, जिस कारण लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। कि हम लोग बहुत परेशान है, ये कीचड़ है ये पूरे रोड में, बच्चों लोगों को हम लोगों को चलने के लिए बहुत तकलीफ है। कम से कम यह मुरुम तो डलवा दे, गेस्ट डलवा दे, कुछ भी डलवा दे, कम से कम चलने के लिए तो सुविधा तो हो जाए। बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे हैं रोड के कारण से, रोड इतनी दलदल हो चुकी है कि बच्चे आए दिन परेशान हो रहे हैं, स्कूल जाते हैं कोई काम करने भी नहीं जा रहा है। यहाँ पे भूखे प्यासे सब मर रहे हैं, तो यहाँ के ठेकेदार लोग जो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं है डलवाने के लिए, पार्षद बोलते हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं कोई। छिडौल के इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत ईएलसी स्कूल में 3 दिवसीय विज्ञान प्रोजेक्ट और मॉडल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इसके शुभारंभ अवसर पर विधायक प्रमीला सिंह उपस्थित रही। आयोजन के तहत छात्रों ने आकर्षक भी प्रदर्शनी लगाई।
छतरपुर में एनसीसी कैडेट की भर्ती प्रक्रिया को लेकर छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शहर के पंडित बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में बीते दो दिनों से एनसीसी कैडेट की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें रोजाना बड़ी संख्या में छात्र पहुंच रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया के दौरान एनसीसी के अधिकारी भर्ती प्रक्रिया में आने वाले छात्र छात्राओं का टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट में पास होने के बाद नए सत्र में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। एनसीसी के अधिकारियों का कहना है कि बीते 3-4 साल में एनसीसी के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है, जो काफी अच्छी बात है। नरसिंहपुर जिले के मुंगेली गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम से पहले स्कूली छात्र छात्राओं ने रैली निकाली और ग्रामवासियों के स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम में लोगों की स्वच्छता बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ सरपंच, सचिव और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश के बावजूद इस साल मानसून कमजोर होगा। मानसून का हाल देखते हुए अच्छी बारिश के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। अगस्त में भी देश के अधिकांश इलाकों में सामान्य से कम बारिश का अनुमान है। निजी मौसम एजेंसी स्काई मेट की माने तो अगस्त में 88% बारिश होने की संभावना है, जबकि इससे पहले 96% बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं सितंबर में 93% बारिश होगी, जिसका अनुमान 101% तक था। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में अब तक सामान्य से 2% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश में अब तक करीब 460 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जबलपुर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सदी ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सेंटर में सेना द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सेना के जवानों की ओर से संस्कृत प्रस्तुतियों के साथ डेयर डेविल्स के प्रदर्शन किया जा रहा है। बाइक पर हैरत अंगेज स्टंट देकर मौजूद लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर बैठ गए। एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट में माहिर सेना के जवानों की प्रस्तुति सबसे ज्यादा सराहनीय रही। इसके अलावा देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से देश के प्रति प्रेम प्रदर्शित करने वाली प्रस्तुतियों ने भी लोगों को खूब लुभाया। मेले का उद्घाटन GOC मध्य भारत एरिया लेफ्टिनेंट जनरल राजेश निराणा ने किया। शहर में ग्रेनाइट रेजिमेंटल सेंट्रल में 3 और 4 अगस्त को सैन्य उपकरण बैंड डिस्प्ले का प्रदर्शन करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना देश में कार्यक्रम कर रही है, इसमें थल, जल और वायु सेना शामिल है। के ऊपर विपरीत दिशा में खड़े होकर बाइक चलाते हुए लॉन्च साइट मिसाइल इस अद्भुत कारनामे को अंजाम तक पहुंचाते हुए जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। आपने इंसान और जानवरों के जीवन की रक्षा करने के लिए चलाई जा रही एम्बुलेंस तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज जो एम्बुलेंस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वैसी एम्बुलेंस शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जी हाँ, क्योंकि एम्बुलेंस है ट्री एम्बुलेंस और ये उन पेड़ों को बचाने का काम कर रही है जो रोजाना ना जाने कितने लोगों को जीवन दे रहा है। छतरपुर जिले में पौधारोपण और पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए सड़क पर दौड़ती एम्बुलेंस हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। हरे रंग से रंगी हुई और हरियाली का संदेश देती हुई इस एम्बुलेंस को देखकर सहज ही यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि इसे किसी खास मकसद के लिए तैयार किया गया है। ट्री एम्बुलेंस को शुरू हुए अभी महज 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन इन्हीं 3 दिनों में 183 से ज़्यादा फोन कॉल्स लोगों के आ चुके हैं और 100 से ज़्यादा जगहों पर जाकर एम्बुलेंस पौधारोपण और पौधों का ट्रीटमेंट कर चुकी है। इस अनोखी एम्बुलेंस की शुरुआत शहर की समाजसेवी संस्था संगम सेवालय ने की है। समूह की संस्थापक सदस्य अंजू अवस्थी ने बताया कि पहले यह निर्णय लिया गया था कि सप्ताह में 1 या 2 दिन निर्धारित स्थानों पर पौधों को बचाने का काम करेगी, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस बीते दिनों मिला है उससे अब रोजाना इसे चलाया जा रहा है। पहल अच्छी है तो लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं और इस पहल की दिल खोलकर प्रशंसा भी की जा रही है। शहर की ही प्रमुख व्यवसायियों में से एक अशोक अग्रवाल ने इस अनूठी पहल में अपनी सहभागिता के लिए हर माह एम्बुलेंस को 50 लीटर डीजल अपनी ओर से देने का ऐलान किया है। फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी।